राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर बस सांझ का शिले पर फिर तो स्वागत करूँ हूँ। ठीक है, मैसा का दूध काटने वाला टाइम हो रहा है और भाई इस टाइम पर तारा खातर एक बढ़िया जमानु गच खबर आ गई है। सीईटी ग्रुप डी भर्ती की है, रिजल्ट से संबंधित है, बढ़िया बढ़िया सूचना आई है एक नंबर की। पोर्टल तक संबंधित भी इन्फॉर्मेशन आई है, कट ऑफ है आपकी, आ ही जाओगी, क्यों जाओगी उसके ऊपर भी चर्चा करांगे। बालका की समझ लो नोजल पैट की और आत्मा आएगी है, आइए समझ मा जमानू काम है सारा सिस्टम, देख लो क्या कुछ मामला है, क्या कुछ है सारा का सारा। देखो भाई कई भाई दूध काट दे देखो भी, देख लो कोई दिक्कत नहीं है। उसका पहला भाई कोई भी अगर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने लगे रहे तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा है बुक निकाली गई है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए। ठीक है, जिसके अंदर आपको जीके और आपका साइंस और करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, ठीक है, कृषि, पशुपालन, कंप्यूटर की नॉलेज और हरियाणा जीके सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। तीन प्रीवियस ईयर के हैं, आपको सोल्ड पेपर भी मिलेंगे, साथ में 25 प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे और 2500 प्लस एमसीक्यू प्रश्न भी मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक 2021 और 2018 के पेपर हैं उनका भी स्पेशल सॉल्यूशन इसके अंदर दिया हुआ मिलेगा। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है चक्षु पब्लिकेशन की बुक हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दुकान तक परचेज कर सको तो कर सीखा भाई। एक तो भाई देखो पोर्टल तक रिलेटेड आप लोगों को न्यूज बता देता हूं, पोर्टल से रिलेटेड क्या न्यूज आई है। पोर्टल भाई आप लोगों का नेक्स्ट 24 घंटे के अंदर आपका पोर्टल खुलने के पूरे पूरे चांस हैं। ठीक है, अभी अभी बिल्कुल मेरे पास ताज़ा अपडेट आई तो आप लोगों को बताने लगे। ये पोर्टल खुले आपका प्रीफ्रेंस पोर्टल भाई, ठीक है, प्रीफ्रेंस पोर्टल खुलेगा और अभी आपकी जो भर्ती है ग्रुप डी की पहले होगी भाई, ग्रुप डी की भर्ती आपकी पहले होगी ग्रुप सी से भाई। ठीक है, ग्रुप सी से आपकी पहले होगी ग्रुप डी की भर्ती। देखो सारी की सारी चीज़ें भी बताएंगे, ये आप लोगों ने सुबह अखबार पढ़े लिया था। एचएसएससी हरियाणा कर्मचारी चयन ग्रुप डी की भर्ती पहले करने की तैयारी में जुटा, 53,000 नए उम्मीदवार भी पास करे गए हैं। कौन से करे गए, जिनकी कुछ ना कुछ कैटेगरी वगैरह चेंज करी थी उसकी वजह से भाई। ठीक है, उम्मीदवारों से विकल्प भरवाने का पोर्टल है 5 से 7 मार्च के बीच है खुलने की संभावना है भाई। 5 से 7 मार्च कितनी होगी, 3 तारीख होगी ना, ठीक है, 4 और 5, आज तो संडे है, आज तो खुलनता रहा। ठीक है, तो कल से 24 घंटे फलाने शुरू कर दो, तारे 4 या 5 तारीख को, मैक्सिमम 5 तारीख तक आपका पोर्टल खुल जाए प्रीफ्रेंस वाला। ठीक है, जिससे आप लोगों से प्रीफ्रेंस मांगी जाएगी, हाँ भाई आपको कौन सी वाली पोस्ट चाहिए, क्या कुछ मामला चाहिए। और ग्रुप डी का रिजल्ट आपका पहले आएगा ग्रुप सी की भर्ती से, जो अखबार के अंदर न्यूज और जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसका हिसाब बताऊं। बाकी जो फैसला हो 6 तारीख का, जो 6 मार्च ना जो कोर्ट का में सुनवाई है उसके ऊपर डिपेंड करे क्या कुछ मैटर है, क्योंकि अभी आगे लोकसभा का इलेक्शन है। ठीक है, आगे लोकसभा के इलेक्शन है और चांस है कि आपके करीबन किससे क्या नाम है ओके बोले अगर रहे 12 तारीख से आपके आचार संहिता, 12 तारीख के आसपास से आचार संहिता लगने के चांस हैं। तो इसलिए क्या है, सरकार चाहेगी कि भाई आपकी जो मतलब कि एक बड़ी भर्ती होनी चाहिए कम से कम भाई आपकी लोकसभा इलेक्शन से पहले, तो जिब्बे वोट देंगे लोग नहीं, कौन वोट देगा इन लगे। ठीक है, तो उसके लिए है ये आपके 12 तारीख से पहले है, इनके पूरे चांस रहेंगे कि ग्रुप डी वालों की ज्वाइनिंग भी करवा दी जाए। ठीक है, ज्वाइनिंग अगर पॉसिबिलिटी ना भी हो तो भी कम से कम इनका रिजल्ट निकाल के टॉप के जो मतलब कि जो भी मतलब जैसे 14,000 पोस्टों के ऊपर वैकेंसी, तो जो 14,000 बच्चे उनकी लिस्ट जारी कर दी जाए, मैं हाँ हाँ ये बच्चे हैं, इलेक्शन के बाद इनकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी उस तरीके से। ठीक है, लेकिन पूरे चांस है कि आपके 12 तारीख तक है आप लोगों की ज्वाइनिंग भी करवा दी जाएगी। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई उसके हिसाब से बताने लग रहा हूँ। आगे बात समझ में, ग्रुप डी के सीट में ये तो चलो और फालतू ज्ञान बैठ रखा है, 53,000 बालक और पास हो गए इनका कोई वो नहीं है। देखो क्या दे रखा है भाई, देखो इसलिए आयोग 6 मार्च को होगी बचोड़े उनकी सुनवाई ग्रुप सी वाली। आयोग ने ग्रुप डी की तैयारी शुरू कर दी, हालांकि ग्रुप डी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंकों पर फिलहाल सटे, मगर आयोग की तरफ से अदालत से आग्रह किया जाएगा कि आयोग उन उम्मीदवारों का रिजल्ट घोषित करने की अनुमति दे जिनका रिजल्ट सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक मिलने या न मिलने से प्रभावित न होता हो। ठीक है, मतलब कि ऐसे बच्चों का रिजल्ट निकाला जाएगा, मतलब उनको या 5 नंबर मिले या ना मिले उसके ऊपर उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी उनका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ ऐसे ऐसे बच्चों का रिजल्ट निकाल दिया जाएगा, बाकी बच्चों की सीट भी से छोड़ दी जाएगी रिजर्व। ठीक है, और उनका रिजल्ट भी मतलब कि बाद में जो भी 5 नंबर के ऊपर डिसीजन होगा उसके बेस पर है उनका रिजल्ट आपका बाद में निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अगर यह अनुमति मिल गई तो आयोग की तरफ से ग्रुप डी का रिजल्ट पहले घोषित हो जाएगा। अगर ग्रुप सी का फैसला 6 मार्च को आ गया और ग्रुप सी पदों का रिजल्ट घोषित करने में कोई अड़चन नहीं होगी तो पहले ग्रुप सी का रिजल्ट घोषित करने की संभावना है। जो सारा का सारा मैटर है भाई वो सारा का सारा आपका 6 मार्च पर अटक रहा है। ठीक है, 6 मार्च ना अगर आपका क्या नाम है ग्रुप सी वाला मामला है लिपट जाता है, ठीक है, जो ग्रुप 56 स्थान उसका मामला भी निपट जाए, एक्स्ट्रा 5 नंबर उसका मामला लिपट जाए, तो भाई ग्रुप सी वाली भर्ती पहले होगी, सीधी सी बात है। अगर किसी कारणवश 6 तारीख को मामला नहीं निपट पाता या सुनवाई में सारा सिस्टम निकल गया या कुछ भी हो गया, नेक्स्ट डेट दे दी जज साहब ने, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो उस केस में भाई फिर ग्रुप डी की भर्ती ही इनको पहली पूरी करवानी पड़ेगी। और ग्रुप डी की भर्ती अगर पहले हुई, ठीक है, तो सीधी सी बात है कट ऑफ जाएगी आई भाई,
कट ऑफ जाइए आई, क्योंकि जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो 56-57 के बच्चे ही बैठे हैं, ग्रुप सी की और भी वैकेंसी है उनके बच्चे भी हैं आपके डी वाली भर्ती के अंदर ही बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या कट ऑफ भी आपकी आई जाने के चांस हैं, ठीक है। फायदा ये हो जाता अगर ग्रुप सी की पहले हो जाती ना, तो फायदा ये हो जाता क्योंकि जो जो बच्चे मतलब कि मान लो ग्रुप डी में मान लो पहले रिजल्ट निकाल देते हैं, तो ग्रुप डी की छोड़ छोड़ो पाछा ग्रुप सी का मैं बच जाएंगे, ठीक है। अब अगर ग्रुप डी की पहले करते हैं तो भाई मतलब कि जो और बच्चे हैं उनके थोड़ा नुकसान हो जाएगा, जो थोड़े मोटे एक दो नंबर तक रह जाओगे, ठीक है, जिनका अच्छा स्कोर है फिर भी एक दो नंबर से रह जाएंगे। क्यों रह जाएंगे? क्योंकि वो लेकिन भाई चलो लट है रहा है तो इलेक्शन का, ठीक है, ये तो भाई कुकर कुकर करके नू समझो चेप की जाएंगे तारती, ठीक है, चाहे ना ग्रुप डी चेपने पड़े चाहे ग्रुप सी चेपने पड़े, लेकिन ये बात फिक्स है 12 तारीख तक है एक भर्ती पक्का लिपटा देंगे, या तो ग्रुप डी ना या ग्रुप सी ना, एक मामला पक्का सेट कर देंगे, या बात जमा 100% श्योर शॉट है। आगे बात समझ में, साथ के साथ क्या नाम है, देखो भी आई कट ऑफ है, आई कट ऑफ की वजह से भाई देखो और देखो एक और साथ में भाई रिजल्ट आपके तैयार हैं, चाहे टी जी टी का हो चाहे ग्रुप डी का, सारे रिजल्ट तैयार है। जैसे ही नू थोड़ा सा भी नू इंट मिल गया ना, हाँ भाई कोर्ट नजर सब नू कर दिया सटे हटो, थोड़ा सा भी नू कर दिया जिद्दे नू सेकंड की स्पीड तक है क्या नाम है रिजल्ट काट दिया जाएगा तारा। आगे बात समझ में, तो भाई देखो उस हिसाब से मैंने आप लोगों को सारा का सारा बता दिया है भाई कि किस हिसाब से आपका ग्रुप डी की भर्ती है उसका रिजल्ट आपका निकाला जाएगा, ठीक है। 5 नंबर और ना 5 नंबर उन दोनों को हटा के ऐसे बच्चों को कंसिडर किया जाएगा जिनके 5 नंबर होने से और ना होने से कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, ताकि भर्ती है मतलब कि उनकी जो उनका तो मतलब फिक्स ही है यार, बच्चे 5 नंबर मिला है चाहे ना मिला है इनकी तो नौकरी पक्की है, ठीक है। जो जिन बच्चे की नौकरी 5 नंबर पर डिपेंडेंट है, ठीक है, उनको खतरा हो सकता है, बाकी और किसी को कोई खतरा नहीं है। बाकी ये समझो भाई 12 तारीख तक आपकी ग्रुप सी या ग्रुप डी में से एक भर्ती को ये निपटा देंगे, चाहे ना कुछ भी करना पड़ जाए, ठीक है। डी वाली तो अगर सी वाली का मामला निपट जाता तो अच्छी बात है, नहीं निपटता तो डी वाली तो पक्का निपटाओगे भाई। बाकी सारा का सारा मैटर 6 तारीख के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना मैं कुछ टिप्पणी कर सकता ना मैं कुछ कह सकता भाई, क्योंकि भाई कुछ भी नहीं पता जज साहब के दिमाग में क्या चले, ठीक है, सिचुएशन को देख कर भाई उसके ऊपर आप ही थोड़े ना डिसीजन ले सकते भाई, जज साहब है जज साहब, वहाँ पर जो सिचुएशन होगी उसको देख कर जज साहब ही डिसीजन लेंगे, तो उसके अंदर आप ही तो कुछ भी डिसीजन आप ही बोल दे हाँ भाई इस तरफ डिसीजन जाएगा उस तरफ जाएगा, ठीक है, वो तो फैसला जज साहब को करना, तो जो होगा वो देखा जाए। 6 तारीख तक का वेट करो, उसके बाद आपकी सारी भर्तियां हैं, जवान समझो टॉप गियर होया करन ट्रैक्टर मत लगा कि चौथा गियर टॉप गियर मारन जर नु चालेंगे भर्ती कटापाटा पटपाटा टपटपाटा, ठीक है। तो अपना काचे काटो फुल एंजॉय करो। अरे भाई एक चीज और पूछनी था, एक सजेशन मांगना था मेरा द्वारा भाई इन ऐपा के प्रमोशन खातिर आओ है, ये कौन से बोलया करे हैं वो ये समझो यार, ये जुए जाए खेलने वाले ऐप कौन होंगे ये था जिसमें क्रिकेट में सट्टे सुट्टे लगाया करो, ठीक है, और ताश तूसा में भी सट्टे सट्टे लगाया करो, ये जो से ऐप में बड़े बड़े एक्टर प्रमोट कर रहे हैं, तो भाई इनके प्रमोशन आने शुरू हुए हैं, तो आप मेरे सजेशन दियो भाई करने हैं कौन करने कदे मैं कर दूँ और पाछा तम गाड़ दे उनको, समाज को खराब कर दिया शिक्षक होकर बच्चों को जुआरी बनाने लग रहा है, ठीक है भाई सजेशन दे दियो भाई मेरे पथ प्रदर्शन मांगू तारा, कमेंट में बता दियो और अपीय तो अच्छे देव मेरे लगो फिर भी तम बता दियो अगर तम बाकी देखो भाई समाज का किमें हुआ है ईसाई इंसान तो भाई कुछ बेरा को नहीं के बोलूँ मैं, चलो तम बता दियो ठीक से सारे ती राम राम धन्यवाद लाना ले लो खेच जाओ काट लो भाई दूध दाद जिसने काटना है।